हर साल इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एनरोल करते हैं एंड सबका सपना होता है या तो कोई एक अच्छी जॉब मिल जाए या फिर अपना खुद का कोई स्टार्टअप वो बिल्ड कर पाए बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन दिस बिकॉज दे डोंट हैव द राइट स्किल्स। टेक इंडस्ट्री लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रही है बट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सेम पेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अब मैंने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर करते टाइम एज वेल एज जब मैं खुद कॉलेज में था। बट क्यों है इतना बड़ा गैप जो इंडस्ट्री में सिखाया जा रहा है एंड जो एक्चुअली कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसमें। अब मोस्ट ऑफ द कॉलेज में 90s का आउटडेटेड करिकुलम पढ़ाया जाता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं दिया जाता है, साथ साथ थ्योरी पे ज्यादा फोकस होता है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का जीरो एक्सपोजर होता है एंड एक्चुअली जो इंडस्ट्री में चीजें रेलिवेंट हैं जैसे वो यूज होती हैं वो एक्चुअली पढ़ाया ही नहीं जाता है। एंड दैट इज द रीजन वाई वी आर बिल्डिंग वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, अ 4-year BTech कंप्यूटर साइंस एंड AI प्रोग्राम जो टेक एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ हाउ वी आर बिल्डिंग अ न्यू एज कॉलेज। सो व्हेन आई वाज एट NSIT जब मैंने रियलाइज किया था कि यार एजुकेशन सिस्टम या कॉलेज में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसमें एंड एक्चुअली इंडस्ट्री में जो चीजें चाहिए उसमें कोई रिलेशन नहीं है। बस थोड़े से सब्जेक्ट्स थे जो कॉलेज में पढ़ाए गए थे बट वो भी उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाए गए थे। अब मेरे पास एक्सेस था अच्छे सीनियर्स का, मेंटर्स का, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, बहुत सारे हैकथॉन्स में गया एंड आई वाज एबल टू क्रैक माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट मैंने रियलाइज किया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे कॉलेज के साथ नहीं थी, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के साथ सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अब सब लोगों के पास डिग्रीज तो होती है लेकिन किसी के पास रियल वर्ल्ड स्किल्स नहीं होते रियल टेक प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए। सो मी एंड सुबेश हैड बिल्ड AlgoPrep टुगेदर एंड वी हैव डिसाइडेड टू टेक दिस न्यू चैलेंज एंड अब साथ में वेदम बिल्ड कर रहे हैं। सो देयर वर फ्यू गैप्स दैट वी सॉ एंड सुबेश विल टॉक अबाउट देम एंड हाउ वी आर लाइक filling those gaps at Vedam. जब भी मैं स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ तो देर इज दिस फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट दे गेट कि यार कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है और इंडस्ट्री में जो रिक्वायर्ड है या फिर इंटरव्यूज में जो चाहिए वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। कॉलेज वाले सिर्फ थ्योरी बता देते हैं, देर इज नो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कोई प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं बताते। सो वी ट्राइड टू सॉल्व दैट एट AlgoPrep, बट AlgoPrep में हमने ऑनलाइन फॉर्मेट यूज़ करा था एंड 6 months का कोर्स होता था, हफ्ते में 3 दिन 2 hours, सो 6 hours अ वीक फॉर 6 months हमें मिलता था। वेदम में हम उसे 4 साल के अक्रॉस ट्रेन कर रहे होंगे, ऑफलाइन फॉर्मेट में ट्रेन कर रहे होंगे, सो द रिजल्ट दैट यू विल गेट वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली बेटर होगा कंपेयर टू व्हाट वी गेट एट AlgoPrep। वन मोर थिंग इज वेदम में हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि यार जो भी टीचर्स हो वो हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो, वो साथ में डेवलपमेंट कर रहे होंगे एंड टीचिंग करेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, सो दैट इज ऑल्सो वन प्लस पॉइंट। इसके बाद हम काफी डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे अपने मेंटर्स के साथ एंड टीचर्स के साथ जो एक्चुअली पढ़ा रहे होंगे आप लोगों को, तो उसके लिए जरूर वेट करना। पीयूष, वेदम को बिल्ड करने का आपका विजन क्या था? पिछले 7 साल से एजुकेशन फील्ड में हो, व्हाट डिड यू सी कि यार ये मिसिंग है तो अब इसलिए वेदम को बिल्ड करते हैं। देखो, जो टेक एजुकेशन है ना उसका फ्यूचर थ्योरी में नहीं है, फ्यूचर उन्हीं के हाथ में है जो प्रैक्टिकल स्किल्स सीखेंगे। आज हमारे कॉलेजेस में DSA आता है करीब 3rd year में, राइट है ना, हमारे पास टोटल 40-45 सब्जेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग में और उसमें से सिर्फ 6-7 में कोडिंग होती है, मात्र 15%। राइट। सो हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जो टेक एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दे और उसमें वो स्किल्स हों जो एक्चुअली में कॉर्पोरेट को चाहिए, जो फ्यूचर की जॉब्स के लिए चाहिए। सो एग्जैक्टली वी वॉन्ट टू क्रिएट एन एनवायरमेंट जहाँ पे प्रैक्टिकल ज्यादा हो एंड थ्योरी कंपैरेटिवली कम एंड लोग एक्चुअली सीखें, लाइक लर्न टेक बाय बिल्डिंग इट इज द मोटो, राइट। सो अब एक और क्वेश्चन है कि हाउ डू यू थिंक जो AI की वजह से जॉब्स हैं 2029 या बियॉन्ड कैसे चेंज हो रही होंगी एंड आर वी रेडी विद आवर करिकुलम? सो आई थिंक दिस इज ऑलमोस्ट लाइक आस्किंग एन एस्ट्रोलॉजर कि आप मेरा भविष्य बता सकते हो क्या। इफ यू वुड हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन इन 2015 तो मैं आपको बता सकता था कि हाँ 2019 में ऐसी जॉब्स होंगी, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक एनीबडी कैन प्रेडिक्ट बिकॉज इट इज चेंजिंग सो फास्ट। वी आर हैविंग न्यू टेक्नोलॉजीज नॉट बाय मंथ बट बाय वीक्स, राइट। सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रिपेयर फॉर द चेंज, यू कैन लर्न हाउ टू लर्न। सो द फोकस शुड बी ऑन एप्लीकेशन। आपने जो स्किल सीखी क्या आप उसको अप्लाई करके कुछ बना सकते हो तो आप किसी और पे भी अप्लाई कर पाओगे। Makes sense. So what makes Vedam School of Technology different from a traditional college? सबसे पहले हम 2029 एंड उसके बियॉन्ड के लिए करिकुलम को बिल्ड कर रहे हैं ना कि 1999 के हिसाब से। अब हमने क्या किया, हमने मैंग एक्सपर्ट को, आई वी लीग प्रोफेसर्स को, IIT के प्रोफेसर्स को, सबको एक साथ बैठा के एक करिकुलम डिजाइन करवाया है। इस करिकुलम के अंदर
तुम्हें सारी चीज़ें वो मिलेंगी जो 2029 के लिए चाहिए, या उसके बाद जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज होती रहेगी उसके हिसाब से करिकुलम भी चेंज होता रहेगा। एंड इस करिकुलम में वो सारी चीज़ें होने वाली हैं जो एक्चुअली स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड में चाहिए होंगी। एंड दीज पीपल वर नॉट ओनली देयर जस्ट टू बिल्ड द करिकुलम, बट ये हमारे साथ कैंपस पे भी होने वाले हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे। बहुत सारे एक्चुअल जो मेंटर्स हैं वो आप लोगों को मेंटर भी कर रहे होंगे। सो इट्स नॉट जस्ट कि करिकुलम बिल्ड करने के लिए हमने सबको एक साथ बिठाया है, बट दे आर गोइंग टू बी देयर फॉर स्टूडेंट्स व्हेन दे जॉइन ऑन कैंपस। सेकंड थिंग आर मोटो एट वेदम इज लर्न टेक बाय बिल्डिंग इट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हो, डे वन से आप कोड करना स्टार्ट कर दोगे, 100,000 लाइन से ज़्यादा आप कोड कर रहे होगे थ्रू आउट योर 4 ईयर्स ऑफ कॉलेज, 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे फ्रॉम व्हाट्सएप जैसा एक आपका चैट एप्लीकेशन कैसे वो स्केल होता है टू फ्लिपकार्ट कि वो इतने सारे ऑर्डर्स कैसे डिलीवर कर पाता है, पूरा का पूरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप खुद अपनी बीटेक के थ्रू आउट बना रहे होगे। एंड एक बहुत बढ़िया बात बताऊँ तुम्हें यार, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एक तो लैपटॉप्स नहीं मिलते हैं, एंड बहुत स्टूडेंट्स के लिए ना लैपटॉप एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। दिस वॉज अ सिमिलर केस फॉर मी जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, एंड आई गॉट i3 विंडोज लैपटॉप। सो i3 में ये सारी चीज़ें करना वॉज वेरी 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 टफ। सो कौन सा लैपटॉप हमारे स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, एंड आई पुश्ड एवरीवन फॉर m4 एयर, एंड फाइनली ऑल द स्टूडेंट्स हु विल जॉइन वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी विल गेट एन m4 एयर मैकबुक। अब आपको कोई डिवाइस की लिमिटेशन की टेंशन नहीं लेनी है, द लिमिट इज योर इमेजिनेशन। जो चीज़ आप बिल्ड करना चाहोगे वो आप बिल्ड कर पाओगे, एंड आप लोगों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं यार ये वाला मॉडल ट्रेन कर सकता हूँ कि नहीं, मेरा लैपटॉप तो गर्म नहीं हो जाएगा या फिर एनीथिंग लाइक दैट। थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं, एंड दैट्स वाई वी हैव एडेड अ 6 मंथ्स इंटर्नशिप इन द प्रोग्राम। जब मैंने खुद कॉलेज में इंटर्नशिप करी थी, मैंने सैमसंग में 2 मंथ्स की इंटर्नशिप करी थी, एंड आई रियलाइज किया 2 महीने ना काफ़ी कम होते हैं, एंड दैट्स वाई वी हैव एडेड अ 6 मंथ्स इंटर्नशिप, 6 मंथ्स पेड इंटर्नशिप इन द करिकुलम इटसेल्फ। सो लेट्स आस्क पीयूष, व्हाट मेक्स वेदम डिफरेंट? सो वेदम इज नॉट जस्ट अ 4-year undergrad टेक प्रोग्राम, इट्स अ बीटेक इन CS एंड AI प्रोग्राम बाय अ UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी इन पुणे। यू विल लर्न टेक बाय बिल्डिंग इट। और हमारा जो करिकुलम है वो एक्चुअली में टेक इंडस्ट्री के साथ पेस रखने वाला है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा, बिकॉज what kind ऑफ jobs विल बी रिक्वायर्ड when यू ग्रेजुएट इन 2029 आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट देन what इट इज टूडे, राइट? सो एज projects वी विल मेक यू डू, यू नो, विल मेक यू मेक apps, लाइक यू विल मेक अ क्लोन ऑफ Flipkart, अ क्लोन ऑफ Zomato. These are the kind of projects which you will be doing here. And not just UI clones. मैंने पहले बताया था, it will be actually deployable apps जो तुम कहीं पे भी डाल भी सकते हो. Because most of the जगह पे वो बस UI clone. Clone का मतलब बस UI नहीं होता. Actually how the tech works. And the batch which you will be part of, it's a highly rigorous selective process. Only 5% students are getting through. That means 1 in 20 students is making it to Vedam School of Technology. So, you know, your peers, you will be in a very, very ambitious environment so that each other, you know, we can push each other and everybody is striving to be the best in the class. So that gives you an environment which is really, really aspiring environment. Right. अब नेक्स्ट हम आते हैं इनोवेशन लैब एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम पे, कि ये वाला जो पूरा पार्ट है इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेके एक्चुअल फाइनल रिजल्ट तक। दिस इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन, बट आपकी स्क्रीन पे कुछ रेंडर्स आ रहे होंगे, इसको देखना एंड भाई मजा आ जाएगा। अब एक एक करके समझते हैं कि इनोवेशन लैब में क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे 3 सेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है? अलग अलग जोन्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा सकता है, बिकॉज वहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स डिवाइसेस अवेलेबल होंगे फॉर द स्टूडेंट्स हु आर बिल्डिंग दीज प्रोजेक्ट्स और इवन देयर स्टार्टअप्स। सबसे पहले हमारा आता है ड्रोन जोन। यहाँ पे आप लोग किसी भी तरीके का ड्रोन बिल्ड कर सकते हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए हो, चाहे वो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए हो, चाहे वो फायर रिलेटेड हैजार्ड्स के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो। आप अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहा है वेयर अ ड्रोन कैन हेल्प आउट इन एनी वे, यू कैन बिल्ड इट हियर। सेकंड पार्ट आ जाता है रोबो जोन। अब रोबो जोन में आप बहुत तरीके के रोबोटिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, चाहे वो एक रोबोटिक आर्म हो, वो हेल्थ केयर में यूज हो सकता है, वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज हो सकता है, या फिर आप टेस्ला की तरह एक सेल्फ ड्राइविंग कार का पूरा सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू एट रोबो जोन। थर्ड हमारा आ जाता है AI ML जोन, इसको आप VR जोन भी बोल सकते हो, AI ML जोन भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को Apple Vision Pro, Meta Quest एंड साथ साथ एक Mac Ultra मिल रहा होगा, सो दैट अगर आपको कोई मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है, अपना खुद का मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, सो डिवाइस इज नॉट द लिमिट।
अगर आपने बात सुनी होगी तो हर जगह मैं यही बोल रहा हूँ, डिवाइसेस शुड नॉट बी द लिमिट, जो आप लोगों की इमेजिनेशन होगी दैट शुड बी द लिमिट। अब यहाँ पे आप किसी भी फील्ड में प्रोजेक्ट बना सकते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर में AR VR हो या फिर हेल्थ केयर में मशीन लर्निंग को कैसे यूज किया जा सकता है, चाहे वो आर्किटेक्चरल फील्ड्स में कैसे AR VR को यूज किया जा सकता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन यू कैन बिल्ड इट हियर। अब इन डेडिकेटेड जोन्स के अलावा इनोवेशन लैब में कॉमन स्पेसेस भी हैं जहाँ पे आप एक्चुअली लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, बात कर सकते हो। अगर आप लोगों को अपना स्टार्टअप बिल्ड करना है, आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके साथ अपना स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो। एंड इफ योर आइडिया इज रियली अमेजिंग, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट अप टू 1 crore rupees एज सीड कैपिटल इन योर स्टार्टअप एज वेल। एंड ये वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को अलग से एक्सेस मिल रहा होगा इस फंड का। इनोवेशन लैब स्टूडेंट्स को सिर्फ क्रिएटर्स या बिल्डर्स नहीं बना रही होगी, इनको विजनरीज बना रही होगी। जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर रहे होंगे उनके पास सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं होंगे बट रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस होंगे जिनको वो मार्केट में एक्चुअली लॉन्च भी कर सकते हैं। सो स्विच विच पार्ट ऑफ इनोवेशन लैब यू लव द मोस्ट, कि भाई ये वाले में तो मजा ही आने वाला है? Yeah, so for Innovation Lab, I think the collaborative nature of Innovation Lab is the most interesting part for me. So see, सोचो अगर एक student है जिसने AI में specialization कर रखी है, एक बंदे ने robotics में कर रखी है, वो दोनों साथ में मिलकर Innovation Lab में कितनी interesting products create कर सकते हैं, right? So I think that collaborative nature is what I love the most. The Innovation Lab itself is my favorite part in the entire Vedam School of Technology. It's almost like a sandbox, okay? यहाँ पे आप अपने projects ला सकते हो, you can make your projects, you can test your projects, you can fail your projects, you can rebuild them. So it's a place where truly innovation breeds. Right. And इसमें एक ना एक corner है, we call it the founders corner. This is where students can actually work on their real startup ideas. You can create a laundry app for your hostel, and that is something which you can actually build there. And you get mentorship from actual founders. तो भाई बहुत सही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मल्टीपल प्लेसेज जहाँ पे तुम अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। एंड द सीड फंड दैट वी टॉक्ड अबाउट इज ऑल्सो अमेजिंग पार्ट। तुम अगर कुछ क्रेजी आइडिया लेके आते हो, पीयूष इज देयर टू मेंटर यू, एंड देर आर सो मेनी अदर फाउंडर्स एज वेल विच हु विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मैं और सुबेश एल्गोप्रेप में एक पूरा AI पावर्ड लर्निंग इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहे थे, एंड दैट ऑल्सो वी हैव ब्रॉट एट वेदम वेन वी गॉट एक्वायर्ड बाई वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर बहुत सारे AI एप्लीकेशंस हैं, टूल्स हैं जो हमने इन हाउस बिल्ड किए हैं, एंड इन पे और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अभी करंटली, एंड इन सबको हम बहुत कूल कूल नेम्स भी बाद में देने वाले हैं। बट जो करंटली प्रोडक्ट है मैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। अब सबसे पहले आता है स्मार्ट डाउट सॉल्वर। अब भाई जब भी आप कोडिंग कर रहे होते हो तो हर टाइम आपके आसपास कोई मेंटर या फिर टीचर अवेलेबल नहीं होता है। अब रात को 3 बजे तक आप लीड कोड कर रहे हो या फिर कोई एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, वहाँ पे बहुत क्रेजी एरर आ जाता है, समझ नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व होगा। हियर कम्स योर स्मार्ट AI डाउट सॉल्वर। ये आप लोगों का वो डाउट सॉल्व करने में बिल्कुल हेल्प कर देगा। अब ये कोई जेनेरिक आंसर नहीं देगा ChatGPT जैसा, ये आपके करंट कोडिंग स्टाइल, पुराने एरर्स, पहले आपने कैसे चीज़ें बिल्ड करी हैं, सबको ध्यान में रखते हुए यू विल गेट अ कस्टमाइज्ड रिजल्ट जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो रही होगी। एंड ऐसा नहीं है बस आप लोगों को नॉर्मल आंसर चिपका दिया है, इट विल हेल्प यू बिल्ड इट थ्रू कि कैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई सिमिलर प्रॉब्लम आती है यू आर एबल टू सॉल्व दैट एज वेल। सेकंड है हमारा कोड रिव्यू इंजन। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, आप ऐसा इमेजिन करो कि गूगल का एक सीनियर इंजीनियर आपके हर असाइनमेंट के बाद या हर प्रोजेक्ट के बाद आपका कोड रिव्यू कर रहा है, एंड दैट इज द एक्सपीरियंस दैट यू विल बी गेटिंग। जब भी आप कोई असाइनमेंट सबमिट कर रहे होगे या फिर कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होगे, आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वहाँ पे सजेशंस मिल रहे होंगे कैसे आपको इस कोड को और इम्प्रूव करना चाहिए सो दैट इट इज एट पार विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अभी रियल टाइम फीडबैक लूप होने वाला है जिससे आप एक प्रोफेशनल लेवल कोड लिखने के लिए रेडी हो जाओगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉक इंटरव्यू असिस्टेंट। अब मॉक इंटरव्यू असिस्टेंट से आप लोगों को समझ तो आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अब किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है। अब नॉर्मल क्वेश्चंस करना तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बट एक्चुअली अपने आंसर को एक्सप्लेन कैसे करना है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल फेल। सो मॉक इंटरव्यू असिस्टेंट आपको इसी चीज में हेल्प कर रहा होगा। अब यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज दे पाओगे, आपको रियल टाइम फीडबैक मिल रहा होगा, एंड रियल टाइम फीडबैक के बाद आप अपने आप को इम्प्रूव करके फिर से मॉक इंटरव्यू दे सकते हो सो दैट यू आर रेडी फॉर योर एक्चुअल इंटरव्यू। अब ये सारे AI टूल्स यार बस सप्लीमेंट्री नहीं होने वाले हैं, ये पूरे करिकुलम का एक इंटीग्रल पार्ट है जिससे जो पूरा हम लर्निंग इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं वो एक्चुअली बिल्ड हो रहा होगा। एंड दीज टू पार्ट्स आर रियली 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 क्रूशियल
फॉर द होल लर्निंग हमारी इनोवेशन लैब स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड दिस AI टूल्स दैट वी आर बिल्डिंग इन हाउस। अब यार लास्ट बट नॉट लीस्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस एक्चुअली है क्या। सो यार आप लोगों को वीसार देना होता है। अब वीसार की फुल फॉर्म होती है वेदम स्कॉलास्टिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक आपका 2 घंटे का टेस्ट होता है। अभी यार पूरा जो टेस्ट होता है आपका एप्टीट्यूड एंड लर्नेबिलिटी को टेस्ट कर रहा होता है कि कितने इजीली आप चीजों को सीख पाते हो एंड आपका जो एप्टीट्यूड लेवल है आप एक्चुअल रीजनिंग कितनी अच्छी कर पाते हो। यहाँ पर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, बेसिक मैथ्स होती है यहाँ पर थोड़ी सी जो आप लोगों को आनी चाहिए। एंड अगर आप लोगों ने JEE के लिए प्रिपेयर किया हुआ है तो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर एनीथिंग एल्स फॉर श्योर। बट यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ये तो बस राउंड वन है, लेकिन VSAT क्लियर करने के बाद आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होता है एंड पर्सनल इंटरव्यू आपका VSAT स्कोर एंड और भी थोड़े बहुत पैरामीटर्स को मिला के आपका एक फाइनल स्कोर आता है। उस स्कोर के अकॉर्डिंग कुछ स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। सो ये सारा जो प्रोसेस होता है उसके लिए जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो VSAT है। तो VSAT में जाके जल्दी से अप्लाई कर देना इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉलेज। एंड हम लोग बिलीव करते हैं कि टैलेंट को ना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से पीछे नहीं रहना चाहिए। सो हम 100% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो एक्चुअली भाई बहुत स्मार्ट हैं एंड वो पीछे ना रह जाएं बस। सो यू कैन ऑल्सो गेट अ 100% स्कॉलरशिप बट उसके लिए बार इज हाई। वेदम में हम एक नो नॉनसेंस हाई इंटेंसिटी कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ सीरियस बच्चे जो अपने करियर को लेके अब बहुत हाई इंटेंट रखते हैं। ओनली द टॉप 5% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट इन हेयर। सो इफ यू आर वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस स्टूडेंट्स विलिंग फॉर अ ग्रेट न्यू एज कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम then only you can get in here. And for the meritorious students, we also have scholarship basis VSAT and your academics, which are purely merit based. So this was everything you need to know about Vedam School of Technology. इस वाली सीरीज में हम आगे बहुत सारी चीजों के बारे में और बात करने वाले हैं। I'll make you meet the mentors. हम थोड़े दिन बाद जब कैंपस एक्चुअली बिल्ड हो जाएगा तो कैंपस टूर भी करने वाले हैं एंड अपने एक्चुअल ऑनेस्ट ओपिनियंस भी तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा जो हमने इमेजिन किया था क्या उस लेवल का हम बना पाए हैं कि नहीं बना पाए हैं। एंड इस पूरी जर्नी में यू विल बी विद मी कि कैसे हम एक न्यू एज कॉलेज को बिल्ड कर रहे हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो डू लाइक फॉलो दिस, फॉलो अलॉन्ग, इस वाली प्ले लिस्ट को अपने कहीं पर भी अलग से सेव करके रख लो, साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। And if you are someone who is like currently working at any company, if you have a younger sibling or a cousin who is currently preparing to become an engineer, उसके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना, चाहे वो भी 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हों, एंड आस्क देम टू अप्लाई फॉर VSAT बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। एंड फॉर मोर डिटेल्स डू चेक आउट द वेबसाइट vedam.org। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को अब तक नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए।